Class 10th exercise 11.2. Question number 2. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm. एक 4 cm के सर्कल पे टेंजेंट खींचना है. कहां से? From a point on the concentric circle. एक दूसरा सर्कल है जो concentric है जिसका रेडियस 6 cm है. एंड मेजर इट्स लेंथ, और उसका लेंथ भी फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हमें दो सर्कल बनाने हैं जो कॉन्सेंट्रिक है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा 6 सेंटीमीटर रेडियस का. तो सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं. तो स्केल पे हमने 4 सेंटीमीटर पहले मेजर कर लेना है. ये 0 पे रखा और ये 4 सेंटीमीटर ये हो गया, दिख रहा होगा है ना. अब इसको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है. यहाँ पे बनाते हैं, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारे पास सेंटर हो गया. अब कॉन्सेंट्रिक कह रहा है. कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब क्या, एक ही सेंटर से. तो पहले स्केल पे माप लेते हैं 6 सेंटीमीटर. ये हमने 6 ले लिया, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा. और यहाँ पे फिर से रखेंगे इसी वाले सेंटर पे और एक दूसरा सर्कल बना लेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का. ठीक है, ये हमने बना लिया. दो सर्कल आपको साफ साफ दिख रहे होंगे जो कि कॉन्सेंट्रिक है, एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरा है 4 सेंटीमीटर का. अब क्या करना है कि इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर एक दो टेंजेंट बनाने हैं जो कि यहाँ से हो. तो कोई सा भी एक पॉइंट पहले लोकेट कर लेंगे. मान लेते हैं कि हमने ये पॉइंट लोकेट कर लिया कि इस वाले पॉइंट से हमें बनाने हैं. तो इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला लेना है. इसका नाम रख लेना है ओ और इसका नाम हम रख लेते हैं ए. ठीक है, अब क्या करना है, इस ओ ए को बाइसेक्ट कर लेना है. ओ ए को बाइसेक्ट करेंगे, ए पे रखा या आधा से ज़्यादा लेना है. एक ऐसे आर्क लगाना है, एक ऐसे आर्क लगाना है. ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे रखना है. इस आर्क को जहाँ से कटेगा काट लेंगे ऐसे, है ना. ये जो कटा हुआ पार्ट है इन दोनों को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिला लेंगे. अब ये जिस पॉइंट पे ये डॉटेड लाइन इसको इस एओ को काट रहा है, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे और इसको रेडियस मान लेंगे ऐसे. ये देखिए बिल्कुल बराबर होगा, है ना. और एक दूसरा छोटा सा सर्कल बना लेंगे, ये हमने बना लिया. अब क्या हो रहा है कि हम देखते हैं ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल था उस सर्कल को ये दो जगह पे डिवाइड कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ. तो हम इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम हमने रख लिया P और इसका नाम रख लिया हमने Q. और क्या करेंगे, AP और AQ को मिला लेंगे जो कि इसका टेंजेंट हो जाएगा. ये हमने एपी मिला लिया, इसी तरह से इधर से ए क्यू भी मिला लेंगे. एपी और ए क्यू हमने मिला लिया जो कि इसका टेंजेंट है. अब कह रहा है कि इस टेंजेंट को मापना भी है एंड मेजर इट्स लेंथ. तो हम इसको माप लेते हैं यहाँ से ये, और इसको पी पे इस पॉइंट को ऐसे, और यहाँ पे देख लेते हैं स्केल पे ये कितना आ रहा है. ये 4.5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर. ए पी इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, और ये हो जा रहा है 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. एक्चुअल कैलकुलेशन से इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, वो आप कर सकते हैं आसानी से.
इस कंस्ट्रक्शन को मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा बहुत तरीके से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं।